मेहमान है। जब 22 कदम में पहली दफ़ा मैंने उनको देखा तो फ़ौरन ऐसा हुआ, शाज़िया और मैंने एक दूसरे को उसी वक्त कॉल किया, हमने ये कौन है लीज़ा, शी इज़ सो गुड। फिर मज़े की बात हुई, हमने उनको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ हमने आर्टिकल में लिखा या पोस्ट में लिखा, तो उनका मैसेज आया, गाइस आई एम एन एक्टर नॉट ए क्रिकेटर। मैंने पहले क्रिकेट नहीं खेला हुआ, ऐसा ही हुआ था ना कुछ। लाइक ये गलत इन्फॉर्मेशन किसने दी थी हमें कि ये सब लोग पहले क्रिकेटर्स थे और ये सब कुछ। खैर तो ऐसे हमारी और उनकी बातचीत स्टार्ट हुई। शी इज़ अ लॉयर एंड 22 कदम उनका डेब्यू ड्रामा है। इससे पहले आप उनको अगर आपने सेवक वेब सीरीज़ देखी है तो उसमें भी देख चुके होंगे। शी इज़ लवली, शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी, शी सेज़ कि वो बहुत फ़नी बातें करती हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपको स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, हम फ़नी बातें ही करेंगे, गपशप में ही मज़ा करेंगे और कोई सीरियस ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे। सो आइए हम मिलते हैं दुरे नयाब से। और इंटरेस्टिंग बात यह कि उनका लास्ट में सर नेम कोई नहीं है, लेकिन है अब्बा का नाम है जो वो यूज़ नहीं करती। वो क्यों नहीं करती ये भी एक कहानी है। तो हम मिलते हैं दुरे नयाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम दुरे। वालेकुम। शुड आई कॉल यू दुरे नयाब, दुरे, व्हाट आर यू कॉल्ड? नयाब। नयाब, ओह नहीं, दुरे नयाब या नयाब? नयाब इज नाइस। हां कि सब अम्मा लोग नयाब बोलते तो ज्यादा फैमिलियर लगता है। आई लव नयाब। नयाब इज यू नो क्या होता है इंग्लिश में, क्या कहते हैं नयाब को? कुछ इट्स रेयर, रेयर, प्रेशियस। यस यस। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसा लगा आपको जब आपने वो हमारा पॉइंट देखा, तो व्हाट मेड यू send a message to us? अच्छा सर, बेसिकली ये था कि वो आप होते ना इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेशन करते हैं, तो उसमें मुझे सब ने कहा कि आप क्रिकेटर हैं, because like फुशिया ने अभी रिसेंटली बोला है, तो मैंने कहा हाँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आई वाज लाइक ऑब्वियसली मुझे उसको कॉम्प्लीमेंट ही लेना चाहिए कि अगर उनको लग रहा है कि मैं क्रिकेटर हूँ, बिकॉज मुझे देखना है कि मैं क्रिकेटर हूँ। तो लेकिन मैंने लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेटर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पता नहीं कैसे। सही है, बिल्कुल सही बात है, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी भी चाहिए थी। शी इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ लीज़ा इन 22 कदम विद बहाज एंड हरीम फारूक एंड डूइंग एन अमेजिंग जॉब। सो कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा फीडबैक आ रहा है आपको 22 कदम का? हाउ आर यू फीलिंग? यार अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे यही टेंशन थी। और मैंने, क्योंकि आपने जब खुद को स्क्रीन पर कभी नहीं देखा होता तो आपको पता नहीं होता आप कैसे लगेंगे, तो मुझे ये था कि ख़ुद को देखने में मैं बहुत एंशियस थी। मैं सबको ये कह रही थी कि यार मतलब प्लीज़ मुझे ना दिखाना, खुद देख लेना, मैं से कोई बात ना करे इस बारे में। लेकिन बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। इवन अगर आपने अभी लास्ट एपिसोड देखी होगी जिसमें लीज़ा या वो कहती है कि चलो मैच फिक्स करते हैं, उसके बाद मुझे इतने लंबे लंबे मैसेजेस आ रहे हैं कि वी टोटली अंडरस्टैंड व्हाई यू डूइंग दिस, वी आर विद यू। आई एम लाइक यार बुरी बात है, नॉट विद यू बट बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। बट दे लाइक के वी होप कि लीज़ा ऐसे ना करे, प्लीज़ को नेगेटिव कैरेक्टर ना बनाएं, प्लीज़ लीज़ा आप भूल ना जाएं कि आप एक क्रिकेटर हैं, ये वो। दे लाइक जस्ट लाइक कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर, जो कि बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी। तो सर मतलब सरप्राइज्ड क्यों हैं आप? एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ड्रामा इतना अच्छा करेगा, या एक्सपेक्ट नहीं करी थी आपकी परफॉर्मेंस इतनी रिकग्नाइज की जाएगी? या बेसिकली दोनों, क्योंकि जब हम लोग ये ड्रामा बना भी रहे थे तो हम लोग यही कह रहे थे कि यार ये एक एक्सपेरिमेंट है, और जब हम लोग मेकअप रूम में बैठे होते थे तो हम लोग यही कह रहे थे कि यार हम ये इसलिए बना रहे हैं, एक तो ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन क्रिकेट, और हमें ये है कि अगर इससे किसी एक लड़की को भी या एक इंसान को भी ये फील होगा ना कि यार नहीं, आई शुड जस्ट लाइक गो एंड अचीव माई ड्रीम्स या डू समथिंग फॉर माई लाइक टू अचीव द ड्रीम्स, तो मुझे करना चाहिए। हमने कहा अगर ये हमें एक भी मैसेज आ गया, कुछ भी हो गया, हम समझेंगे कि बस पूरा जो हमने मेहनत की वो पूरी हो गई। तो एक नहीं, बहुत मैसेजेस आए हैं। और इसके अलावा क्योंकि आप होता नहीं, आप खुद को हमेशा शीशे में देखते करते हैं, और आप खुद को शीशे में हमेशा देखते हो और यू लाइक हाँ बस ठीक है, एंड इवन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग तो आप कहते हो कि यार मैंने पता नहीं ठीक किया या नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी शॉट के बाद खुद को जाके स्क्रीन पर नहीं देखा, कभी भी नहीं, एक दफा भी नहीं, पहली बार भी क्यूरियोसिटी नहीं हुई नहीं कि मैं देखूं तो सही कैसी लगी। नहीं, वो जो शॉट है ना, इंट्रो शॉट जिसमें हेलमेट उतारते मैं बहाज, बहाज वाज लाइक आओ देखो खुद को, मैंने नहीं देखा, खुद को देखा करो, इधर आओ देखो, मैं बहुत बुरी लग रही हूं, मुझे नहीं देखना प्लीज। बहाज मुझे दिखाया, देखो अभी समझ आ रही है, देखा करो। ओके, हाँ मैं नहीं देखूंगी। बहाज ने आपको इसलिए दिखाया होगा, उन्होंने कहा देखो अपनी परफॉर्मेंस कैसी है, इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको देखना चाहिए। उनका यार बहाज नहीं, अगर मैंने देख लिया, मैं ऑलरेडी इतना प्रेशर में हूँ कि यार, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहाज के टाइम से लाइक ही इज एन एक्टर, हरीम इतने टाइम से काम कर रही है, उनके बीच में मुझे एक ऐसा कैरेक्टर दे दिया जो कि इफेक्ट करता है इतनी स्टोरी को,
तो इतना प्रेशर था कि बस बहुत से नए नाम थैंक्स टू ग्रीन हम देख रहे हैं, बहुत से नए चेहरे हम देख रहे हैं, नाम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और चेहरे देख रहे हैं. लेट मी करेक्ट माई सेल्फ आज कुछ हो गया है. तो लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से है ना, हैट्स ऑफ टू यू एंड मुबारक भी कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है और वो पता भी चल रहा है, यू आर स्टैंडिंग आउट. क्योंकि बहुत दफ़ा लीड रोल मिल भी जाए, पैरेलल लीड भी मिल जाए, शायद आप स्टैंड आउट फिर भी नहीं कर रहे हो, बट आपने अच्छा परफॉर्म किया है, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू राम्या. यहाँ पे हमें ना वो इफेक्ट देना चाहिए पार्टी के बजाय पॉपर्स होते हैं. अच्छा, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ. यू आर अ लॉयर. कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से बिलोंग करती हैं? वैसे पहले बचपन में जब मैं 2 साल की थी तब तक हम लोग मुल्तान रहते थे, मियाँ चनो एक गाँव में. ओके. वहाँ से अम्मा सबकी विल के अगेंस्ट हमें लेके आ गई थी पिंडी, बिकॉज अम्मा को था हमने अपनी बेटियों को पढ़ाना है, कि हम 3 बहनें हैं. wow. और एक भाई है, छोटा छोटा तो नहीं है वैसे, वो 2 साल ही छोटा है, भाई कहाँ छोटे होते हैं. इज वेरी अनोइंग. तो अम्मा ने कहा कि अपनी बेटियों को पढ़ाना है, और अम्मा का ये था कि क्योंकि अम्मा खुद नहीं पढ़ सकी थी, बिकॉज उनके अम्मा अबा की डेथ हो गई थी काफ़ी जल्दी, व्हेन शी वाज आई थिंक 14. और फिर उनसे उनके बहन भाई दोनों बहुत बड़े थे, उनसे कोई किसी ने पूछा नहीं कि तुम्हें क्या करना है, या उनको चांस नहीं मिला. तो अम्मा ने कहा था मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी कि मेरी बेटियां इस काबिल हों कि उनसे कोई भी दीन की बात करे या दुनिया की बात करे तो वो डट के उनको जवाब देने आता हो, वो डरे नहीं. माशाल्लाह. या वो डरे नहीं. तो फिर ये हुआ कि जब मैंने, अच्छा मैं हमेशा ऐसे हूँ कि एक चीज़ करती हूँ छोड़ देती हूँ, फिर एक चीज़ करती हूँ, फिर डिफरेंट कुछ करना होता है मुझे, लाइक आई गेट बोर्ड, मुझे होता है कुछ नया करना है. सो मैंने आईकॉम किया कॉलेज में, उसके बाद मैंने 6 मंथ्स का गैप लिया कि मैंने क्या करना है, मैं क्या करूँ, कुछ आर्टिस्टिक करूँ. हाँ, मुझे इसका से नहीं मज़ा आ रहा था, नहीं आ रहा था, मैं आगे क्या करूँ, मुझे नहीं कुछ करना ये, मतलब बैंकिंग लिया क्यों था, सॉरी क्योंकि मतलब पूरा करने के बाद कह रही है नहीं मुझे मैं क्या करूँ, मतलब ये तो जो ही करने से पहले सोचना चाहिए था ना. टू इजी फॉर मी. ओके. यस, बेसिकली जो मेरी सबसे बड़ी बहन है उसने आईकॉम किया था, मैं यार क्या करूँ क्या करूँ, कहती कुछ और नहीं करना. तो मैंने कहा मुझे इतना, मैं मैथ्स में इतना स्मार्ट नहीं हूँ, तो मैंने कहा मुझे मुझसे नहीं होता. शी वाज लाइक आईकॉम कर लो. ओके. क्योंकि उसने किया कर लो, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, सही है ओके कर लेते हैं, बस मैंने कर लिया. उसके बाद मैं सोच रही मैंने क्या करना है क्या करना है, म्यूज़िक पढ़ूँ क्या करूँ, कुछ लाइक आर्टिस्टिक करूँ. फिर आई वाज लाइक नहीं. और उस टाइम क्योंकि हमारे घर, हमारा ऐसा हाउस होल्ड में ये होता है ना कि हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने एज एन इंडिविजुअल कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके बारे में भी आपने कुछ करना है. तो काफ़ी पोलिटिकल जहन था. तो मैं कह रही थी अच्छा मुझे बाकी सब कुछ समझ आता है, बाकी मैं सब कुछ एज हॉबी पे कर लूँ, लेकिन मुझे ये जो टीवी पे आके नहीं लीगल बातें कर रहे होते हैं ये मुझे समझ नहीं आती, ये मुझे लीगल लैंग्वेज समझ नहीं आती. ओके. तो आई वाज लाइक अगर लॉ एक कंट्री में अगर आपको आता हो या आपको पता हो तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, आपके पास एक पावर होती है. तो मैंने कहा मैंने लॉ करना है. मामा ने कहा सोच लो. मैंने कहा नहीं मैंने लॉ ही करना है. उन्होंने कहा यार क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैंने कहा नहीं मुझे लॉ करना है. शी वाज लाइक ओके. अब जब मेरा एडमिशन हो गया, मैंने फ़र्स्ट डे जाना है यूनिवर्सिटी, तो अम्मा मुझे कहती हैं कि अच्छा मैंने एक बात बतानी थी कि मैं बचपन से ना हमेशा लॉयर बनना चाहती थी. मैंने कहा हाँ, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं आपके लिए कर लेती. मैंने कहा कि नहीं मैं इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि आपने जो करना है आप अपने लिए करें. मैंने कहा ठीक है. तो मुझे भी याद है जब मैं पहली दफ़ा काला कोट पहन के कचहरी जा रही थी, मैं वॉज लाइक पता है क्या जिंदगी में मैंने जो कुछ भी मैंने सहा है क्या ना, आई वॉज वर्थ इट, बस आज ये ना मेरा पूरा हो गया.